गुरुग्राम के शिवपुरी के रहने वाले सोनू को कुछ बदमाशों ने सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने अपना मोबाइल उन्हें देने से मना कर दिया, जबकि उसके साथ ही दीपांशु को गंभीर रूप से घायल कर बदमाश भाग गए। बताया जा रहा है कि इलाके के बदमाशों ने सोनू शर्मा से मोबाइल मांगा था, लेकिन सोनू ने अपना मोबाइल बदमाशों को देने से मना कर दिया। इसके बाद मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई और सोनू और उसके साथी को बदमाशों ने लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद बदमाश दोनों को अधमरी हालत में वहां छोड़कर भाग गए। घटना के बाद सोनू और उसके साथी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां सोनू की मौत हो गई। मैंने कहा मेरे बेटा कहाँ जा रहा है, कह रहा मैं मम्मी आधे घंटे में आ रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता दीपू कहाँ लेके गया और कहाँ नहीं लेके गया। बाद में मुझे ये पता खबर लगी मेरे बेटे ने आगे छोटे वाले ने कि मम्मी भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं क्या हुआ, 12 बज रहे थे उस टाइम, तो बोला मम्मी भाई हॉस्पिटल में। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे मम्मी पता नहीं भाई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ पड़ा है, उसको चोट लगी हुई है, बस इतना मुझे पता है। उसके बाद में वो कौन सा गोविंद हॉस्पिटल में मैं गई हूँ, तो उसको उसकी हालत बहुत गंभीर थी, उसको होश ही नहीं था, पाइप वगैरह लगी हुई थी। मैं जब गई हूँ तो मैंने फिर 100 नंबर पे फ़ोन किया। पुलिस स्टेशन न्यू कॉलोनी में 1 जनवरी 2019 को एक मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें एक सोनू शर्मा जो 19-20 साल की उम्र है और दूसरा दीपांशु, ये दो इंजर्ड हुए थे, जिसमें दीपांशु के बयान पर ये केस रजिस्टर किया गया था। और उसके पश्चात जो सोनू शर्मा है उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट करवाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें 302 आईपीसी इसमें ऐड कर दी गई है। और इसमें जो आरोपी हैं प्रदीप सैनी, अंकित, नीरज और योगेश, इनको अरेस्ट कर लिया गया है, जिनको आज अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 8 से 10 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। गुरुग्राम से मनु मेहता के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।